बदल जाओ या वक्त के साथ, या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और चुनावी माहौल में पूरी दुनिया रंगी हुई नहीं है, पूरा भारत रंगा हुआ है, और बाहर की दुनिया भी भारत में चुनाव देखने के लिए अबस कर आते हैं, जैसे कोई सर्कस देखने आता है वैसे, क्योंकि यहाँ नौटंकी बहुत होती है चुनावी माहौल में सबसे ज़्यादा। लेकिन हम पब्लिक से बात करते हैं, इनका क्या माहौल है, ये कौन से रंग में रंगे हुए हैं यहाँ के गाँव के पांचों के? सर, आपकी नज़रों में यहाँ पांचों गाँव का क्या माहौल है? पांचों गाँव माहौल कांग्रेस का है। क्या कारण? कारण ये है कि किसानों की जो भला करता है वो कांग्रेस करती है। अच्छा। जैसे मैं बताऊं आपको, बीजेपी के टाइम, अभी राजस्थान में कांग्रेस आई है, बीजेपी में टाइम में गांव ग्वार और मोटो को भाव में देख लो आप, 3,000 रुपये थे, अभी मोट 6,000 बिक रहे हैं और ग्वार 4,500 रुपये बिक रहा है। कांग्रेस क्या कारणों से? कांग्रेस ये महंगाई बढ़ी है भाई। कांग्रेस से इसे फसलों के दाम बढ़े ना। किसकी सरकार में? कांग्रेस की सरकार। अभी राजस्थान में इस बार क्या माहौल लग रहा है? अभी भी फिर कांग्रेस का लग रहा है। आपकी नजरों में इस बार अपने पांचों गांव का क्या माहौल है? अच्छा है। इस बार कौन भारी पड़ेगा पांचों गांव के माहौल से? मोदी पड़ेगा और कोई नहीं, मोदी पड़ेगा। सर आपके जी, सर पांचों बिल्कुल भाजपा में और रखा है। मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, आतंकवाद पर जो प्रहार किया गया है उस पर लोग इम्प्रेस हैं, युवा और लगभग हर वर्ग मोदी जी के साथ है। सरकार ने किसानों को 2-2 लाख का कहकर धोखा देकर के कांग्रेस पर कब्जा किया है, पार्टी पर कुछ नहीं किया है। आप धोखे में आ गए थे? सब धोखे में आ गए। अच्छा, ये कह रहे हम धोखे में आ गए थे। कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी राजस्थान में। अच्छा, मिशन 25 में क्या होगा? पूरा 25-25 मोदी, ओनली फॉर मोदी। मोदी पूरी इंडिया में मोदी आएगा, 403 सीट आएगी मोदी की। जैसे कि दोस्तों आपने देखा यहाँ पे पूरा मोदी की लहर दिखाई दे रही है, आगे चल के गांवों से माहौल करेंगे, बात करेंगे उनका क्या कहना है, वहाँ का पब्लिक से बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे उनका क्या कहना है, यहाँ की पब्लिक का क्या कहना है। किसानों से बात करूँगा इस बार, इनके गांवों का क्या माहौल है, क्या चुनाव का मुद्दा है, और किसानों के लिए क्या हितैषी कौन सी सरकार रहती है। सर आपकी नज़र में इस बार चुनाव में कौन बाजी मार देगा, क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी की सरकार। लेकिन किसानों का अगर मुद्दे देखे जाए तो क्या कोई मुद्दा बने, कोई विशेष कार्य? बीजेपी की, बीजेपी। मैं तो मोदी ने देखा और किन्हीं को देखा, मोदी चौक मोदी ने मोदी चौक लगे तो क्या आप चलो कोई कारण बता सकते हो, कारण क्या आप बताइए, क्या कारण है सभी मोदी का कह रहे हो आप? नहीं तो मोदी का तो इसलिए कह रहे हैं, जो गरीबों का जो भी पैसा स्वीकृत हो रहा है वो गरीबों के पास पहुँच रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं। और कांग्रेस से इतना खपा क्यों आप? कांग्रेस की राज में कुछ हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ पैसा गरीब के लिए स्वीकृत हुआ था, आधा पड़ता पहुँचते। आप क्यों खपा हो कांग्रेस से? क्या कह रहे हो? जैसे गरीबों को कर्जा माफ करा, कम भूमि वालों को मकान देना, टीपिया देना, सरकार तो चोर है कांग्रेस की, सब चोर बैठे। माहौल माड़ा ही है, लाइट का बिल भरा था वो डिमांड, वो लाइट अभी तक नहीं लगा है, कोई सरकार अपने काम की नहीं है। सर अपने गाँव का क्या माहौल लग रहा है? बहुत अच्छा है मोदी सरकार के लिए, जैसे अपनी GDP स्टार्ट किया था उसमें भी काफी ग्रोथ हुआ है उनमें, और उसमें क्या कि जितनी भी वैकेंसी निकाली है उसमें, और उसमें रोजगार ये बेनिफिट हुआ है कि जितने भी गांव में हर जगह बिजली पहुंची है। विकास का या कोई मुद्दे की बात? मोदी लिए बहुत बढ़िया किया काम, बड़े बड़े देश के लिए हित की काम की सरकार ने, क्या सरकार कांग्रेस सरकार ने खुद ही घोषणा करी है लाइट नहीं मतलब किसान के कर्ज माफ करेगी कि 2-2.5 लाख कहाँ करिए, आधा पैसे तो हमें बिजली सरकार ने करिए, इन्हें तो हमने 30% 50% सरकार ने माफ किया। आपकी नज़रों में भारत मोदी है। जैसे कि मैंने यहाँ पांचों गांव में कुछ किसानों से बात की, ये सभी मोदी के कह रहे हैं, सिंबल के पीछे कह रहे हैं, कार्य को कह रहे कोई नहीं, और कुछ लोगों ने इन्होंने जो बोला है कांग्रेस का कुछ कारण बताया।